दोस्तों, जब आप एक लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक अच्छा प्रोसेसर, मतलब मल्टीटास्किंग उससे हो सके, एक अच्छी रैम उसके अंदर हो ताकि आप अच्छी गेमिंग उसके अंदर कर सकें, उसके अंदर हो एक अच्छी स्टोरेज, काफ़ी सारे म्यूजिक या मूवीज़ या आपके सॉफ्टवेयर अंदर स्टोर हो सके, अच्छा DVD राइटर, CD राइटर वगैरह दोनों चीज़ें हों, अच्छा लुक हो उसका, HD स्क्रीन उसके अंदर हो। मैं तो ये मानता हूँ जब भी आप एक लैपटॉप ले तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बजट अगर आपका हो कम, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये का अगर बजट हो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाती होगी, अरे इतने कम बजट में सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ उसके ऊपर विंडोज 10 की, मतलब ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आपको सिक्योरिटी भी पूरी उसके अंदर मिले, आज मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ वो सारे लैपटॉप जो आपके 20 हज़ार की नीचे की रेंज में होंगे। अगर आप एक YouTube वीडियो भी बनाना चाहते हैं, एडिटिंग भी करना चाहते हैं, तो वो भी उसके ऊपर हो सकेगी, गेम भी उस पर खेल सकेंगे, रोज़मर्रा के काम भी कर सकेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर है प्रोफेशनल, तो आप उसके अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकेंगे। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, और हमेशा की तरह मैं आपको कुछ फैक्ट तो देता ही रहूँगा, मतलब टेक टिप्स तो मैं आपको देता ही रहूँगा। सबसे पहला लैपटॉप जो हमारा आ रहा है वो है आसूस का APU ड्यूल कोर E1। दोस्तों, ये सिर्फ 17,990 रुपये में आपको मिल जाएगा, और ये ड्यूल कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर 4 GB की आपको मिलेगी रैम और 500 GB की मिलेगी आपको हार्ड ड्राइव। AMD का रेडियन R2S इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपको मिलेगा, मतलब प्रोसेसर ग्राफिक आपको मिलेंगे, तो आप गेम इसके अंदर नॉर्मल खेल पाएंगे। 64-bit का इसके अंदर आर्किटेक्चर है। विंडोज 10 का होम एडिशन इसके अंदर आपको मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी और ओरिजिनल विंडो, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर काफी सारे काम और भी कर पाएंगे। CD DVD दोनों रीड और राइट ये करता है। वेबकैम और इसके अंदर सोनिक मास्टर का साउंड कार्ड है, तो काफी अच्छी साउंड भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। टाइप सी का इसके अंदर आपको USB मिलेगा पोर्ट, जिसके अंदर आप 2 GB की जो डाटा है वो लगभग 2 सेकंड के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी कार्डेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब चीज़ इसके अंदर आपको मिलने वाली है। एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसके अंदर आपको एक आई केयर इसके अंदर मिलता है, तो ब्लू रेज को थोड़ा सा हटा देता है और आपकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ 17,000 की रेंज में लैपटॉप है विद ओरिजिनल विंडोज। तो अगर आपका बजट लगभग 17,000 के आसपास है और आप ओरिजिनल विंडो के साथ एक अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आप इस ब्रांड के लिए जा सकते हैं, इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। हम मूव ऑन करते हैं अभी नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, अगर अगले लैपटॉप की बात करूं तो वो है लेनोवो का IP110। 19,980 रुपये का ये लैपटॉप आपको पड़ता है। इसके अंदर आपको मिलता है इंटेल का पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर। इसके अंदर भी आपको मिलेगी प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10, 4 GB इसके अंदर आपको रैम मिलेगी। इसके अंदर भी आपको 64-bit का आर्किटेक्चर मिलेगा विंडोज 10 का, तो 64-bit आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एडिटिंग की या फिर आप समझ लीजिए कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर 64-bit का आर्किटेक्चर चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर हेल्प करेगा। 500 GB की इसके अंदर आपको स्पेस मिलेगा, हार्ड ड्राइव जो है 500 GB की है। 15.6 inches की आपको HD LED एंटी ग्लेज स्किल मिलेगी। इंटीग्रेटेड स्क्रीन का मतलब ये है कि आपकी आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, इंटेल का ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको मिलेगा। HD 405, DVD रीड राइटर मतलब CD रीड राइटर दोनों इसके अंदर मिलेंगे। 0.3 megapixel का आपको वेबकैम मिलने वाला है। बैकलिट कीबोर्ड डिस्प्ले मिलेगा। अब दोस्तों, जो बैकलिट कीबोर्ड जो डिस्प्ले आता है वो या लाइट जो आती है वो काफ़ी कम लैपटॉप्स के अंदर आती है, खासकर 20,000 से अगर कम की रेंज की बात करूँ तो बहुत ही कम लैपटॉप्स के अंदर ही आपको मिलेगी। ऐसे में जब आप अंधेरे में काम कर रहे होते हैं, फिर आप रूम के अंदर बैठ के डेडिकेटली अपना काम कर रहे हो, तो काफ़ी काम आती है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में है तो मुझे मालूम है कि कितना मेरे को ये सपोर्ट करती है। तो बाकी दोस्तों बात करते हैं टेक टिप्स की। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो डेफिनेटली आप एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि एक लैपटॉप आप कम से कम 3 से 4 साल के लिए खरीदते हैं। तो ऐसे में जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूं, ये मल्टीटास्किंग, मतलब इसके अंदर जो कोर हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपके कुछ काम जो ऐसे होते हैं जिसमें रैम आपको बढ़ानी पड़ सकती है, तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, कल को आप रैम भी बढ़ा सकते हैं। तो इन द मीन वाले अगर आप 4 GB की रैम यूज़ करें तो आप 8 GB भी इसको करा सकते हैं, 12 GB भी इसको करा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं उन लैपटॉप्स को ध्यान में रख रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में भी थोड़ा सा अपग्रेड करके इनका साथ मिल सके। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। नेक्स्ट लैपटॉप की अगर बात करूं तो वो है डेल इंस्पिरॉन 3552, और प्राइस है इसका 19,990, मतलब 20,000 में 10 रुपये कम। इसमें भी आपको मिलता है इंटेल का क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि 1.6 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, लेकिन इसको बूस्ट कर सकते हैं आप 2.56 GHz तक। 4 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 500 GB के अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलती है, इसको आप 5400 RPM तक चला सकते हैं। 15.6 इंच की आपको HD LED डिस्प्ले मिलता है, मतलब 1366x768 pixel का। HD वेबकैम मिलेगा, मतलब कि आप इसमें चैट कर सकते हैं बड़े ही, स्काइप वगैरह जो वीडियो कॉल करते हैं तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ इसमें कर पाएंगे। साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है 15 महीने का McAfee एंटीवायरस। तो दोस्तों, 15 महीने का अगर McAfee एंटीवायरस मिल रहा है तो आप लगभग निश्चिंत हो सकते हैं कि आप वायरस वगैरह से बचे रहेंगे अगले 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल तक।
तो एक अच्छे ब्रांड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बजट आपका 20,000 से कम है, तो आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हैं। दूसरे अगर मैं टिप की बात करूं तो दोस्तों आजकल क्या है कि Amazon, Flipkart जैसे जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें काफ़ी होड़ मची रहती है कि कब वो सेल लगाएं, कब वो सेल लगाएं। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं तो वेट कर सकते हैं ऐसी किसी सेल का। जैसे अभी मेरे को लगता है अगस्त के महीने में और दिवाली के टाइम पे ऐसी काफ़ी सारी सेल्स आएंगी जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंस डे या दिवाली सेल, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा हो सकता है और शायद आपको जो मैं डील बता रहा हूँ उससे भी बेटर डील आपको मिल पाए। तो अगले लैपटॉप की अगर बात करूँ तो वो है लेनोवो का लैपटॉप। मॉडल है लेनोवो का आइडियापैड 110151BR। दोस्तों किसी भी लैपटॉप के अगर मॉडल नंबर में आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके सबके आपको लिंक दे रहा हूँ ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सके और वहाँ से अगर आप चाहे तो उसको परचेज भी कर सकते हैं। बाकी मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूँ क्योंकि वो बीच में रहेगी। तो इस मॉडल के अंदर आपको मिलेगा इंटेल पेंटियम का क्वाड कोर प्रोसेसर, 4GB के अंदर आपको रैम मिलेगी DDR3 की, 1TB के अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलेगी, तो स्पेस काफ़ी है, 1TB का स्पेस काफ़ी रहता है दोस्तों। इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अंदर आपको मिलेगा, 15.6 इंच की आपको HD स्क्रीन मिलने वाली है बैकलेट डिस्प्ले के साथ, तो वही 1366x768 पिक्सल की DVD राइटर आपको मिलेगा, 1 ईयर की ऑन साइट मेंटेनेंस आपको मिलती है, 4 घंटे का इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो डेली यूज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप काफ़ी अच्छा है क्योंकि लगभग वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर जो कि डेली यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और ब्रांड भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे मैंने दोस्तों 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा है कि मैंने ब्रांड्स ऐसे चूज़ करे हैं जिनके सर्विस सेंटर बड़े आसानी से अवेलेबल है, थोड़े बड़े ब्रांड हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं उन ब्रांड्स को ना इंक्लूड करूँ जिनको लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं या फिर कल को सर्विस में दिक्कत आए या पार्ट्स में थोड़ी सी मुझे अवेलेबिलिटी में मुझे लगता है कि उनकी दिक्कत आ जाए, तो इसलिए मैंने ऐसे ब्रांड्स को इसके अंदर नहीं लिया है। दूसरी चीज़, बेशक से दोस्तों हमारा बजट है कम लेकिन हम नहीं जाएंगे सेलेरॉन पे या फिर ऐसे किसी प्रोसेसर के ऊपर जिसमें मुझे मालूम है कि आपको परफॉर्मेंस की हद से ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। काफ़ी सारे देखता हूँ यूट्यूबर्स को कुछ भी सजेस्ट कर देते हैं, बट चलो छोड़ो उनकी बात, हम बात करते हैं सिर्फ उन लैपटॉप्स की जिनको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब बारी आती है टेक टिप नंबर, जो लास्ट टिप है हमारी उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप लैपटॉप जेन्युइनली परचेज करना चाहते हैं तो मेरा हमेशा से सजेशन रहा है कि आप ऑनलाइन ना जाके अपने ऑफलाइन नियर बाय कंपनी के ऑथराइज शोरूम से जाके उसको परचेज करें। रीज़न बताता हूँ उसका मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जब आप किसी ऑथराइज शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ पर आप थोड़े से उसे सॉफ्टवेयर अलग से डलवा लेते हैं या फिर उसको अपने लैपटॉप को अच्छी तरीके से चला के देख लेते हैं और साथ में कैरी बैग वगैरह या फिर स्क्रीन गार्ड वगैरह एक्स्ट्रा लगवा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई दिक्कत आती है तो इंस्टेंटली आप वहाँ पर पहुँच के उसको ठीक भी करा सकते हैं। और यकीन मानिए जो लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह होते हैं उनमें हार्डवेयर से ज़्यादा दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आई, भैया के पास चले गए, उनसे ठीक करा के वापस ले आए, लेकिन ये सपोर्ट ऑनलाइन में कहाँ मिलेगा। मोबाइल्स वगैरह में तो चलता है चलो ठीक है, बट लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज़ ये, जब ऑनलाइन आप मंगवाते हैं किसी चीज़ को तो वो कैसे आ रही है, बीच में उबड़ खाबड़ रास्ते से कैसे वो उठा पटक करते हुए आ रही है, तो ऐसे में जो अंदर के पार्ट्स होते हैं लैपटॉप वगैरह के या कैमरा के, तो वो काफ़ी डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, तो ख़राब ना हो जाए। बिकॉज कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता कि यार लैपटॉप का वो पार्ट खराब हो गया और बाद में मालूम पड़ता है रिप्लेसमेंट का टाइम चला गया और उसके बाद हमारे को मालूम पड़े कि ये पार्ट अब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर तो हो जाएगी दिक्कत। बट यही चीज़ जो है जब कंपनी के आप शोरूम पे जाते हैं तो वो अपने शोरूम में क्या होता है बड़े डेलिकेट तरीके से उसको लेके आते हैं और उनको मालूम होता है कि अपने लैपटॉप्स को किस तरीके से लेके आना, क्योंकि हमारे यहाँ कुरियर बॉय जो होते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के, उनको तो एक ही बैग में सब कुछ भरा हुआ होता है ना, तो हाउ दे विल टेक केयर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सुझाव है कोई भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मिलेगा काफ़ी सपोर्ट। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।